हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है सीएम बड़ोला और आज डिफरेंशिएबिलिटी का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। पहले वीडियो में हमने क्या क्या देख लिया था मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो हमने देखी थी डिफरेंशिएबिलिटी के लेक्चर नंबर 1 में, वो ये देखा था कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, वो कैसे चेक करेंगे। तो उसका तरीका क्या था, जैसे सपोज कोई पॉइंट है एट एक्स बराबर सी, मेरे को ये चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं एट एक्स बराबर सी। मैं क्या करूँगा, उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लूँगा LHD, उसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लूँगा। कभी ये दोनों बराबर है और ये एक फाइनाइट क्वांटिटी के बराबर आ रहा है तो मैं बोलूँगा फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्स बराबर सी। कभी ये इनकी वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट या इनफाइनाइट आ रही है तो मैं बोल दूंगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो एक बार उस चीज़ को कि यार मेरे को एट एक्स बराबर सी ये बताना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो मैं क्या करूँगा, लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो f c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h। ओके, ये अपना क्या था, वेयर x टेंडिंग टू बोल दो c माइनस और एक्सटेंडिंग टू सी प्लस। तो ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था, ये तुम्हारा राइट हैंड डेरिवेटिव था। जब ये दोनों बराबर आ जाएंगे तो अपन बोलेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्स बराबर सी। तो एक्सरसाइज जो तुम्हारी 5.2 है NCERT की, वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। सारे क्वेश्चन तुम लगा लोगे ये कंसेप्ट लगा के। आज अपन जो डिस्कशन करेंगे, मैंने कंपोजिट फंक्शन तुमको बताया था f ऑफ g ऑफ x, फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, वो चीज़ अपन आज डिस्कस करेंगे। और अपन आज एक पैरामेट्रिक फॉर्म जो अपन ने पैराबोला में देखा है वैसी इक्वेशन की, यार कोई y तुमको किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल में दिया है, x तुमको पर्टिकुलर वेरिएबल में दिया है, तुमको dy/dx निकालना है तो वो कैसे निकालोगे। क्लियर है? तो यार ये dy/dx अपना इसका तो ऐसे निकल सकता है। अब अपन जो आज का डिस्कशन है वो है कंपोजिट फंक्शन और पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। उसके पहले कुछ फॉर्मूलेज है वो तुम याद कर लो, वो निकले यही फर्स्ट प्रिंसिपल से, इसी को फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते, क्लास 11th में तुम लोगों ने देख रखा होगा, उसी को यूज़ करना है। ओके, तो जिन लोगों ने ये चीज़ नहीं देखी है मत लोड लो, केवल ये वैल्यू को अप्लाई करते जाओ सारे फंक्शन का जो मैं आज फॉर्मूले लिखूंगा। ओके, वो तुम खुद से निकाल के देख लेना इस वाली मेथड से। ओके, तो बढ़ते हैं अपन आगे, है ना। लिख लो यार एक बार सारी फॉर्मूलेस। तो d/dx, सबसे पहले x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है। ओके, तो डेरिवेटिव्स के ये फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहला फंक्शन अपन ले रहे हैं d/dx ऑफ x की पावर n, ये तुम्हारा होगा nx n-1। ओके, मतलब पावर अपनी इधर चली गई, x की पावर 1 कम हो गई। सपोज x की पावर 6 का मेरे को डिफरेंशिएशन निकालना है तो d by dx ऑफ x की पावर 6 निकालते क्या आएगा, पावर इधर गई 6x 5। क्लियर है बात? इस तरीके से तुम डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो। किसी ने पूछ लिया x की पावर 3/2 का निकालना है तो 3/2x 3/2-1 दैट इज 3/2x, पावर कितनी हो जाएगी 1/2। तो d/dx ऑफ x की पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3/2x की पावर 1/2। किसी ने पूछ लिया x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन दैट इज 1/x का डिफरेंशिएशन, किसी ने तुमसे पूछा तो d/dx ऑफ 1/x क्या करोगे, x की पावर -1 है तो -1 इधर आ गया, -1 दैट इज -1/x². क्लियर है बात? इस तरीके से डिफरेंशिएशन लगा लोगे तो ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है। ओके, d/dx ऑफ x की पावर n। डेरिवेटिव उसके फंक्शन की लिस्ट है जो तुमको याद रखनी है, वो मैं लिख रहा हूँ, तुम लोग नोट कर लेना। ओके, तो सबसे पहला d/dx ऑफ x की पावर n, बहुत जनरल है, ये पावर इधर चली गई nx n-1। इसको तुम प्रूव भी कर सकते हो फर्स्ट प्रिंसिपल से, कर लोगे खुद से कर लेना, है ना।
पहला तो ये याद रखना है, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, दैट इज ई की पावर एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन वही होता है, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है। थर्ड, डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स वन अपॉन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन एक्स। ओके, इसके बाद कभी कोई तुमसे पूछ ले डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ए, इसका डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन एक्स लॉग ए टू द बेस ए। क्लियर, ये भी नोट कर लेना। इसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो तुम्हें पता होने चाहिए, उनके डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। ओके, है ना, ये चीज पता होनी चाहिए। फिर डी बाई डी एक्स तुम्हारा टेन एक्स जो होगा वो होगा सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स जो तुम्हारा कॉट एक्स होगा दैट इज माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स जो तुम्हारा सेक एक्स होगा दैट इज सेक एक्स टेन एक्स, डी बाई डी एक्स आपका जो कॉसेक एक्स होगा वो होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ये अपने को पता होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये लिस्ट ऑफ डेरिवेटिव हो गए जनरल जो तुम्हें यूज करने हैं और डिफरेंशिएशन निकालना है। इसके अलावा कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड होते हैं तो वो भी नोट कर लेना। ओके, तो ये नोट कर लिया है ना, इसी में मैं आगे बता रहा हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स लिखो, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, सेकेंड वर्स एक्स और कॉस सेकेंड वर्स एक्स सब लिख लेते हैं। ओके, और ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा इनवर्स का और इम्प्लिसिट फंक्शन का अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी केवल नोट करा रहा हूँ और ये चीज़ याद रखने की कोशिश करना। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी फर्स्ट प्रिंसिपल से तुम लोग प्रूव कर लोगे, मैं अगले वीडियो में इसका प्रूफ भी बता दूंगा। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स दैट इज माइनस ऑफ अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स वन अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स वो भी लिख लो। दैट इज माइनस वन अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ओके, वन अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन सेक इनवर्स एक्स का, उसमें माइनस साइन लगा दोगे तो कॉस सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बन जाएगा। क्लियर है ये बात, तो ये सब नोट कर लेना। ओके, इसके आगे की कहानी देखते हैं। अपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत ईजी है। ओके, तो मैं एक एग्जाम्पल लेके ही समझाता हूँ। जैसे मानो एक फंक्शन है साइन, ओके, ओके, ये अपना फंक्शन है। पहले ही फंक्शन मैंने थोड़ा खतरनाक सा ले लिया है, पर इससे समझेंगे तो इजीली हर चीज़ समझ में आएगी। एक एक चीज़ को ध्यान से सुनना। कभी फंक्शन ऐसा दिया साइन रूट कॉस एक्स, तो यार अपने पास जो डेरिवेटिव की लिस्ट है उसमें इसका कोई डिफरेंशिएशन अपने को दिया नहीं है, पर अपन जानते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, अपन जानते हैं कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन। अच्छा, ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन इंसर्ट है। मतलब कभी मैं इसको एनालाइज करूँ तो ये ऐसा है, साइन कैपिटल एक्स, इस कैपिटल एक्स की जगह लिखा है रूट कॉस एक्स। ओके, तो पहले बाहर वाले फंक्शन को देखना है हमेशा, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स।
ओके तो इस पूरे को कभी मैं साइन कैपिटल एक्स मानूं तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कैपिटल एक्स वो क्या होगा कॉस कैपिटल एक्स ओके और कैपिटल एक्स मैंने क्या माना है बेसिकली रूट कॉस एक्स है ना तो पहली स्टेप तो ये हो गई डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स तो वो हो गया तुम्हारा दैट इज कॉस कैपिटल एक्स और कैपिटल एक्स को तुमने माना है रूट कॉस एक्स ओके इसके बाद अगली स्टेप अंदर फंक्शन मतलब चेन रूल है ना तो अब पहले ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया अब इसके अंदर की बात करते हैं रूट कॉस एक्स इस रूट कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो इसमें फिर से चेन रूल लग जाएगा कॉस एक्स की पावर क्या है 1/2 तो इस पूरे कॉस एक्स को अब मान लेते हैं कुछ डब्ल्यू मतलब ये है डब्ल्यू की पावर 1/2 तो डब्ल्यू का पहले डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 डब्ल्यू 1/2 -1 है ना मतलब ये इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या आएगा 1/2 डब्ल्यू माइनस 1/2 और फिर डब्ल्यू के अंदर कॉस एक्स लिखा है तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे समझ रहे हो तो पहले अपन ने इसका किया अब इस पूरे का करेंगे तो ये रूट कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 कॉस एक्स की पावर माइनस 1/2 अब इस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा दैट इज माइनस साइन एक्स है ना तो आंसर क्या हो गया कॉस रूट कॉस एक्स ओके 1/2 रूट कॉस एक्स क्योंकि कॉस एक्स की पावर 1/2 नीचे चली जाएगी और ये हो गया तुम्हारा माइनस साइन एक्स ओके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस रूट कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस इधर आ गया तो साइन एक्स अपॉन 2 रूट कॉस एक्स ये तुम्हारा आंसर हो गया समझ में आई बात थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बाकी बहुत ईजी कभी तुम ध्यान से समझोगे तो पहले जैसे देखो कभी कोई फंक्शन तुमको दिया है कॉस एक्स की पावर 5/2 तो पहले इसको x की पावर n मान लो ये पूरे को कैपिटल x मान लो कैपिटल x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा nx n माइनस 1 उसके बाद अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन दैट इज cos x का डिफरेंशिएशन वो हो जाएगा माइनस साइन x क्लियर है तो इसका डिफरेंशिएशन कभी मैं लिखना चाहूँ तो बहुत इजीली एक ही स्टेप में लिख सकता हूँ 5/2 माइनस 1 डॉट साइन x माइनस का ये इसका डिफरेंशिएशन होगा ओके 5/2 माइनस 1 इज 3/2 तो 5/2 cos x की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन x ये हो गया डिफरेंशिएशन cos x की पावर 5/2 का ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन बात समझ में आई पक्का यार ये नोट कर लेना ओके चलो इसके बाद देखते हैं अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं यार चेन रूल है ना मतलब चेन में चल रहे अपन ओके आगे तुमको एक चेन में बढ़ना है पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो फिर अंदर वाले का करो और ऐसे चेन वाइज आगे बढ़ते चलो तो एक क्वेश्चन और लेते हैं कॉस ई की पावर एक्स तो अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना है तो यार इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स को मान लो पहले तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स ओके तो ये हो गया फिर अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स तो ये हो गया माइनस साइन ई की पावर एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स होता है फॉर्मूला अपन ने फट रखा है समझ में आई बात तो ये आंसर हो गया आई बात समझ में पक्का अगला देखते हैं लॉग ई की पावर एक्स अब देखो यार इस फंक्शन को तुम ध्यान से देखो ओके लॉग ई की पावर एक्स मतलब बेस में क्या है 10 है ओके कभी कुछ नहीं लिखा है तो बेस में क्या है 10 है अब मैं एल एन ई की पावर एक्स लिखता तो ये फंक्शन क्या हो जाता एक्स और एक्स का डिफरेंशिएशन तुमको करना आता दैट इज 1 ओके पर ये लॉग ई की पावर एक्स तो इसका डिफरेंशिएशन भी वही इस पूरे को पहले लॉग एक्स मान लेते हैं देखो मैं दो तरीके से बताऊंगा इसमें कभी मैं लॉग की प्रॉपर्टी लगा दूं तो ये पावर इधर चली गई एक्स मल्टीप्लाई बाय लॉग ई अब ये लॉग ई तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है ना केवल एक्स का डिफरेंशिएशन होगा दैट इज 1 तो आंसर क्या हो गया लॉग ई ओके ये आंसर हो गया अब अपन इससे देखते हैं चेन रूल से तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/e की पावर एक्स
क्लियर, 1 अपॉन ई की पावर x, ओके किसका होता है ln x का, यहां पे क्या है log x, तो log x का 1 अपॉन x मल्टीप्लाई बाय log e, ये होता है डिफरेंशिएशन, ओके मल्टीप्लाई बाय, ये तो तुम्हारा हो गया 1 अपॉन e की पावर x डॉट log e, अब e की पावर x का डिफरेंशिएशन दैट इज e की पावर x, तो इधर से भी आंसर क्या आ रहा है log e, बात समझ में आई पक्का। देखो यार अभी मैंने तुमको बताया था d by dx of ln x होता है 1 upon x, ये वाला फॉर्मूला भी लिख लेना, d by dx of log x to the base a होता है log, ओके मतलब इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 upon x log e to the base a, ये होता है, ओके इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला नोट कर लेना, ओके चलो तो यहाँ पे ये यूज हो गया, 1 अपॉन एक्स लॉग ई टू द बेस ए, अच्छे से लिख देता हूँ उसको, क्लियर है बात पक्का। प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल तुमको पता है क्या होता है डिफरेंशिएशन में, देखो चेन रूल का ये आइडिया तुमको मिल गया, इसके बाद अपन इसमें प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल भी देख लेते हैं, ओके फिर अपन इन सबके क्वेश्चन देखते हैं, ये सब चीज़ें तुम लोगों ने देख रखी होगी, नहीं भी देखी है तो अभी समझ में आई गई होगी, ओके देखो यार जैसे दो फंक्शन है यू मल्टीप्लाई बाय वी, ओके यू मल्टीप्लाई बाय वी दो फंक्शन है, इनका डिफरेंशिएशन निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो प्रोडक्ट रूल, ओके प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन में दो फंक्शन का, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो मैंने पहले वीडियो में बता दिया, जैसे u प्लस वी है और u प्लस माइनस वी है तो सीधे डी यू बाय है ना सीधे हो जाता है, ये तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रोडक्ट में क्या होता है, पहले वाले फंक्शन को एज इट इज लिखो, दूसरे वाले फंक्शन का क्या करो डिफरेंशिएशन, ओके फिर दूसरे वाले फंक्शन को एज इट इज लिखो, पहले वाले का क्या करो डिफरेंशिएशन, और बीच में एडिशन का साइन, ओके तो इस तरीके से यू डॉट डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डॉट डी यू बाई डी एक्स, और यू भी फंक्शन है x का और v भी फंक्शन है x का, ओके तो प्रोडक्ट ऐसे निकाला जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा कोई फंक्शन दे रखा है तुमको इस तरीके से e की पावर x मल्टीप्लाई बाय साइन x, ओके तो एक फंक्शन यू एक्स मान लो एक फंक्शन वी एक्स मान लो, तो कैसे निकालते, पहले वाले फंक्शन को एज इट इज रखा, दूसरे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, प्लस दूसरे वाले फंक्शन पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे वाले को एज इट इज रखा, तो दूसरे वाले को एज इट इज रखा पहले वाले का डिफरेंशिएशन दैट इज ई एक्स, ई एक्स कॉमन निकल गया, ये बना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, आंसर क्लियर, पहले वाले फंक्शन को एज इट इज दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे वाले को एज इट इज पहले वाले का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे दो थे यहाँ पे मान लो तीन होते हैं u डॉट v डॉट w, तीन फंक्शन है, u भी फंक्शन है f ऑफ x का, v भी फंक्शन है x का, और w भी फंक्शन है x का, ओके तो डिफरेंशिएशन निकालना है इस फॉर्म का फंक्शन का, तो क्या करोगे पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लो, बाकी दोनों को एज इट इज रख दो, ओके प्लस फिर दो को एज इट इज रख दो, बीच वाले का कर दिया अपन ने डिफरेंशिएशन, फिर दो को एज इट इज रख दो v और u को, और आखिरी वाले का कर दो डिफरेंशिएशन, बात क्लियर हो रही है सच में, तो इस तरीके से तुम कर सकते हो, ओके अब इसके बाद एक चीज आती है डिवीजन कैसे होता है, तो वही डिवीजन में देख लो, जैसे फंक्शन है तुम्हारा u
बाय वी के फॉर्म में, है ना, यू बाय वी के फॉर्म में, यू भी फंक्शन है एक्स का, वी भी फंक्शन है एक्स का। अब तुमको डिफरेंशिएशन निकालना है ना, तो क्या करोगे, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर कर दो, फिर ऊपर वाले फंक्शन का क्या होगा, डिफरेंशिएशन, ओके, डी यू बाय डी एक्स और वी एज इट इज माइनस, अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन और ऊपर वाला एज इट इज, ओके, इस तरीके से डिफरेंशिएशन किया जाता है। मतलब जो डिनोमिनेटर में फंक्शन लिखा है उसका कर दोगे स्क्वायर डिनोमिनेटर में, फिर ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले को एज इट इज उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लिख लो, माइनस साइन आता है यहाँ पे और यहाँ पे आता है प्लस साइन, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, माइनस आएगा फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन और ऊपर वाले को एज इट इज लिख लिया, क्लियर है बात, तो ये नोट कर लेना, ओके, ये सब चीज़ें तुम लोग कर चुके हो यार, है ना, बहुत बेसिक सी बातें हैं, ये सब चीज़ें फॉर्मूले पढ़ रखे हैं फिजिक्स के बेसिक मैथमेटिक्स में, तो लिख लो बस, ओके, एग्जाम्पल देके भी समझा देता हूँ, चलो इन्हीं फंक्शन को ले लेते ना, यहाँ पे अपन ने क्या माना था, इसको ऐसा मान लो, कभी ऐसा क्वेश्चन दिया e की पावर x साइन x, ओके, तो क्या करोगे, तो देखो पहले डिनोमिनेटर में क्या कर दिया, स्क्वायरिंग, तो ये बन गया साइन स्क्वायर x, फिर न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x साइन x को एज इट इज लिख दिया, माइनस सेकेंड फंक्शन, मतलब अब e की पावर x को एज इट इज लिखा, साइन x का डिफरेंशिएशन दैट इज कॉस x, तो ये आंसर हो गया, आ गई बात समझ में, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके, तो ये नोट कर लेना, पक्की बात। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ चेन रूल के, तो वो नोट कर लेना, ओके, और खुद से ट्राई करना, अच्छे क्वेश्चन है, ओके, दिमाग लगेगा, पर तुम लोगों को कभी ये अप्लाई करना आ गया तो वो तुम इजीली कर लोगे, तो यार इसीलिए कैलकुलस को बहुत इजी माना गया है, ओके, साइन लॉग रूट में एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, एक क्वेश्चन तो ये है और एक क्वेश्चन है लॉग एक्स प्लस ई रूट एक्स, अच्छा तो चेन रूल लगेगा, साइन एक्स डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, पूरे को लिख दो बिना सोचे समझे, है ना, चेन रूल तो ऐसे ही लगता है, साइन पूरे को एक्स मान लिया उसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स रख दिया, चलो एक चीज तो खत्म, अब इसके आगे की कहानी देखते हैं, इसके आगे लॉग लिखा है, तो लॉग फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन अपॉन जो लिखा है अंदर, लॉग एक्स होता तो वन अपॉन एक्स, तो ये हो जाता वन अपॉन एक्स एक्स प्लस वन, क्लियर, अच्छा अब इसके अंदर जो लिखा है उसका डिफरेंशिएशन, ओके, तो इसके अंदर जो लिखा है दैट इज क्या लिखा है, कभी इसके अंदर जो लिखा है उसी फंक्शन को मैं देखूँ तो वो लिखा है एक्स अपॉन एक्स प्लस वन की पावर वन अपॉन टू, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन अपॉन टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वन की पावर माइनस वन अपॉन टू, वहाँ पे भी चेन रूल लगा रहा हूँ, और एक्स अपॉन एक्स प्लस वन में अभी अपन ने यू बाई वी पढ़ा है, ओके, तो वी का स्क्वायर दैट इज एक्स प्लस वन का स्क्वायर, ओके, देखो ध्यान से u बाई वी, ओके, फिर x का डिफरेंशिएशन दैट इज वन, नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज माइनस x को एज इट इज और ऊपर वाले फंक्शन, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले फंक्शन को x को एज इट इज लिखा, इसका डिफरेंशिएशन दैट इज वन, ओके, इधर भी इसका डिफरेंशिएशन वन था, ऐसा लिख दिया अपन ने, क्लियर, x से x कैंसिल, तो वन अपॉन टू, ओके, ये बन रहा है तुम्हारा वन अपॉन x अपॉन x प्लस वन की पावर वन बाय टू मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन x प्लस वन का स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारा डिफरेंशिएशन इतने से फंक्शन का, ये लिख दो इसके आगे, ओके, दैट इज द होल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, ओके, तो इसको तुम आगे लिखोगे तो ये क्या बनेगा, वन अपॉन टू, है ना, मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन
देखो ये जो लिखा है और ये जो लिखा है, x x प्लस वन की पावर वन बाय टू, ओके, तो ये दोनों एक ही बात लिखी है, तो ये अंडर रूट चला जाएगा, अंडर रूट चला गया, वन बाई टू और वन बाई टू पावर ऐड हो गई, वन बन गया। और एक और क्या बनना है, x प्लस वन का होल स्क्वायर, तो ये देखो इससे ये कैंसिल, तो बचा कितना तुम्हारा, वन अपॉन टू एक्स इंटू एक्स प्लस वन, केवल इतनी सी कहानी बच गई। ओके, समझ में आया पूरा, है ना? तो ये पूरी कहानी हो गई तुम्हारी, वन अपॉन टू एक्स एक्स प्लस वन, क्लियर है बात? बस ये आंसर। तो इस तरीके से करना रहता है, ओके। एक एक फंक्शन को देखा करो, पूरा एक साथ मत किया करो। क्या करा था अपन ने, पहले साइन एक्स, उसका हो गया कॉस एक्स, फिर लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स, दैट इज रूट ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। वापस से तुम लोगों के लिए कर रहा हूं ताकि तुमको समझ में अच्छे से आ जाए, क्लियर? मल्टीप्लाई, अब इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दैट इज वन बाई टू, ये पूरा चला जाएगा डिनोमिनेटर में, दैट इज रूट ऑफ एक्स एक्स प्लस वन, ओके। ये दोनों की अंडर रूट है तो ये क्या हो जाएगा, एक ही बन जाएगा, है ना? और इसका डिफरेंशिएशन, दैट इज एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, क्लियर बात? और क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स प्लस वन माइनस एक्स, तो वन अपॉन एक्स प्लस वन ये कैंसिल, तो वन अपॉन टू एक्स इंटू एक्स प्लस वन, फाइनल आंसर तुम्हारा ये बना। जिनका आया है बहुत अच्छी बात है, तुम लोगों को समझ में आने लग गया है, कभी अभी से ये क्वेश्चन बन रहा है तो। इसी तरीका ये क्वेश्चन है, तो पहले इस पूरे को कैपिटल एक्स मान लेते हैं, लॉग कैपिटल एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स, दैट इज वन प्लस एक्स ई रूट एक्स, ओके, गुड। इसके बाद अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है, प्लस ई की पावर रूट एक्स का, ई की पावर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय रूट एक्स का वन बाय टू एक्स की पावर वन बाय टू, दैट इज एक्स की पावर यहाँ आ जाएगा वन बाय टू, क्लियर? तो इस तरीके से हो गया इसका डिफरेंशिएशन। चेन रूल ऐसे लगता है, ओके, दिस इज द आंसर, क्लियर है बात? तो नोट कर लेना ये दो क्वेश्चन। अपोजिट फंक्शन अपने को समझ में आ गया है ना, एक एक स्टेप में हो जाएगा क्वेश्चन, तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे, करना किस तरीके से वो क्लिक हुआ कि नहीं। पहले कभी भी कोई फंक्शन तुम्हें मिला तो उसको एज अ बाहर वाले फंक्शन को देखना, ओके, मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में पहले एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करो, फिर अंदर पे अंदर जाते जाओ, ओके। जैसे अभी अपन ने लॉग वाला क्वेश्चन देखा था, है ना, तो वहां पे जैसे ऐसा है लॉग ई रूट एक्स मान लो, है ना, तो यार तुम जानते हो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज वन अपॉन एक्स, यहाँ पे एक्स की जगह क्या लिखा है ई रूट एक्स, वो लिख दिया, क्लियर, मल्टीप्लाई बाय। अब ई रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, क्योंकि चेन रूल लगेगा, अंदर एक्स नहीं था, एक्स होता तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता, इसलिए रुक जाते हैं। अब ई रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई रूट एक्स। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज एक्स की पावर वन बाई टू का डिफरेंशिएशन, वो होता है वन बाई टू एक्स की पावर माइनस वन बाई टू, दैट इज वन बाय टू रूट एक्स, तो वन बाय टू रूट एक्स, तो फाइनल आंसर तुम्हारा ये बनेगा, क्लियर है बात? ओके, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा वन बाय टू रूट एक्स। ये तो हो गए तुम्हारे कौन से फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, जहां पे लगेगा चेन रूल। अब जो फंक्शन मैं डिस्कस कर रहा हूं वो है पैरामेट्रिक फंक्शंस, ओके, पैरामेट्रिक इक्वेशंस बोल लो। जैसे पैराबोला में अपन ने देखा था, तुमको एक्स किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म्स में दिया है, वाई किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म्स में दिया है। अभी क्या हो रहा था कि यार वाई बराबर ये दिया है और तुमको dy by dx पूछा है ना, अभी तक कहानी ये चल रही थी,
मतलब एक्सप्लिसिट फंक्शन की मैं बात कर रहा था। अभी तक अपन ने जितने भी सवाल देखे वो ये वाले फंक्शन थे जिसमें वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स अपने को लिखा हुआ दिया था और अपने को डीवाई बाई डी एक्स निकालना था। अब अपन जो डिस्कस करेंगे वहां पे कहानी क्या हो रही है कि तुम्हारा वाई कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी, एक्स कोई फंक्शन है जी ऑफ टी, ओके, दोनों कोई एक थर्ड वेरिएबल के टर्म में डिफाइन है और तुमको पूछा है डीवाई बाई डी एक्स, तो करना बहुत ईजी है। देखो पहले निकाल लो डीवाई बाई डी टी, स्टेप लिख लेना, और इधर से निकाल लो डी एक्स बाई डी टी। तुमने dy by dt ऊपर वाले से निकाल लिया, नीचे वाले से dx by dt निकाल लिया, तुमको निकालना था dy by dx, डिवाइड कर दी दोनों इक्वेशन को, तुम्हारा dy by dx आ जाएगा। एग्जांपल से समझते हैं, पैराबोला की पैरामेट्रिक इक्वेशन ही मैं ले रहा हूं, ओके? तो याद है तुम लोगों को x बराबर क्या होता है 80 स्क्वायर और y बराबर क्या होता है 280। स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax, मैं x बराबर अपन लिखते हैं 80 स्क्वायर और y बराबर लिखते हैं 280। तो अपने को ये दो पैरामेट्रिक इक्वेशन दी है, क्वेश्चन तुम्हारा है dy by dx की वैल्यू पता है। तो देखो पहली वाली इक्वेशन से मैं dx by dt की वैल्यू निकाल सकता हूँ, है ना, dx by dt दैट इज 280 निकल गया। इसको डिफ्रेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो a कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2t, तो ये बन गया 280। सिमिलरली dy by dt निकालोगे सेकेंड वाली इक्वेशन को देख के, तो t का डिफरेंशिएशन दैट इज 2a, ओके। अब अपने को क्या निकालना है dy by dx, तो क्या करोगे, ये सेकेंड इक्वेशन है ये पहली इक्वेशन, तो सेकेंड में से पहली को डिवाइड कर दो, तो dt dt कैंसिल, dy by dx की वैल्यू आ गई दैट इज 2a अपॉन 280 दैट इज 1 अपॉन टी। क्लियर है, dy by dx यही तो स्लोप था टेंजेंट का 1 अपॉन टी, याद करो पैराबोला में स्लोप ऑफ द टेंजेंट, मैंने बताया था डिफरेंशिएशन का प्रैक्टिकली ग्राफिकली क्या सिग्निफिकेंस है, स्लोप निकालता है टेंजेंट का, 1 अपॉन टी निकला था अपना स्लोप, समझ में आई बात, तो ये नोट कर लेना, ओके पक्की बात। चलो तो एक क्वेश्चन लिख लो यार इसी बात पे, जैसे मानो x तुम्हारा है e की पावर t और y तुम्हारा है log sin t, ओके, log sin t, तुमको क्या निकालना है dy by dx, तो पहले निकालते हैं dx by dt, तो dx by dt तो तुम्हारा e की पावर t आ जाएगा, फिर निकालते हैं dy by dt, स्टेप मत भूलना, है ना, तो log sin t, साइन रूल लगेगा, क्या चेन रूल लगेगा, साइन रूल क्या चेन रूल लगेगा, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x दैट इज 1 अपॉन sin t और sin t का डिफरेंशिएशन दैट इज cos t, तो ये बन गया तुम्हारा cot t, है ना। अब dy by dx करना है, इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो dy by dx की वैल्यू आ गई cot t अपॉन e की पावर t, आंसर dy by dx का, समझ में आई कहानी पक्का। तो यार पैरामेट्रिक इक्वेशन, जब तुमको कोई फंक्शन थर्ड वेरिएबल के टर्म्स में दिया, x थर्ड वेरिएबल के टर्म्स में दिया, y थर्ड वेरिएबल के टर्म्स में दिया, तो उनका उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो जिसके टर्म्स में वो दिया है, ओके, फिर दोनों को डिवाइड करके तुम निकाल लोगे, पक्की बात समझ में आई। तो एक क्वेश्चन अच्छा वाला ले लेते हैं, ओके, जो तुम खुद से कर लोगे, तो वीडियो को पॉज कर लेना, ओके, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, x बराबर e की पावर माइनस टी स्क्वायर और y बराबर tan इनवर्स, अच्छा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, ओके, क्या निकालना है dy by dx। चलो करो तो भैया ये क्वेश्चन, क्लिक हुआ, पहले क्या निकाले dx by dt, तो dx by dt इसको e की पावर x मान लेते तो e की पावर माइनस टी स्क्वायर हो गया, फिर माइनस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दैट इज माइनस 2t, क्लियर है बात, अरे माइनस टी स्क्वायर बचा तो ये हो गया माइनस 2t और t का डिफरेंशिएशन दैट इज 1, रुक जाएंगे यहीं तक। सिमिलरली dy by dt निकालते हैं, तो tan inverse x होता तो क्या होता 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस
2t plus 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2t plus 1 का डिफरेंशिएशन दैट इज 2. ये हो गया तुम्हारा dy by dt की वैल्यू, ये हो गई dx by dt की वैल्यू. तुमको क्या निकालना है, dy by dx दोनों को क्या कर लोगे, डिवाइड. तो ये बन गया तुम्हारा 2 अपॉन 1 प्लस 2t प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय e माइनस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2t माइनस का. ओके, 2 से 2 कैंसिल, कर लेना इसके आगे सॉल्व. क्लियर है बात भाई, ये निकल गई, अब दोनों को डिवाइड ही करना है. ओके, तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी. तो कंपोजिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन जो भी कॉम्पिटिटिव बुक तुम लगाते हो, चेन रूल वाले जितने भी क्वेश्चन है कर लेना, मैं एक शीट भी डाल दूंगा. ओके, बेसिक डिफरेंशिएशन की वो तुम अटेम्प्ट कर लेना. ओके, थैंक यू सो मच, यहाँ तक समझ में आया होगा. अगले वीडियो में मिलेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन डिस्कस करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेशन देखें, एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इसलिए वो डिस्कस किया जाएगा. थैंक यू सो मच.